कभी कभी कोई फिल्म ऐसी आ जाती है जो अंदर तक हिला के रख देती है। ऐसी फिल्म का जब मैं रिव्यू करता हूँ तो मैं खुद पर भी डाउट करने लग जाता हूँ कि क्या मैं शब्दों में वो फीलिंग डिस्क्राइब कर पाऊंगा जो मुझे फिल्म देखते हुए हो रही थी। यही डाउट मुझे हुआ सेक्टर 36 देखने के बाद भी। निथारी हत्याकांड पर बेस्ड ये फिल्म आपको हिला कर रख देगी और आपको यकीन नहीं होगा कि इंसान इतना घिनौना भी हो सकता है। ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि समाज का एक आईना है। तो भाई आज इसी फिल्म के बारे में खुलकर डिटेल में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रिव्यू को शुरू करते हैं। ये फिल्म निथारी हत्याकांड का एक ड्रामाटाइज वर्जन है। ड्रामाटाइज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारी डिटेल्स जैसे करेक्टर्स के नाम इस बार चेंज कर दिए गए हैं ताकि कोई बिना फालतू की कंट्रोवर्सी में यह फिल्म ना पड़े। दिल्ली के राजीव नगर में से एक के बाद एक बच्चे गायब होने लग जाते हैं और पुलिस कंप्लेंट्स पाइल अप होने लग जाती है और इन सब के पीछे हाथ होता है प्रेम का, जो कि ना सिर्फ उन बच्चों को किडनैप करता है बल्कि किडनैप करने के बाद उनके साथ ऐसा घिनौना व्यवहार करता है और उनके शरीर के साथ वो सब कुछ करता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। शुरू में तो पुलिस इन कंप्लेंट्स पर कुछ भी ध्यान नहीं देती है, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ होता है कि उसके बाद पता चलता है कि जिसे वो सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला मान रहे थे, ये मामला उससे काफी ज्यादा बड़ा और घिनौना है। अब इसके बाद होता यह है कि इस हत्याकांड की परतें खुलने लग जाती है और पता चलता है कि कितना ज्यादा बड़ा ये पूरा का पूरा कांड है। पर क्या पता चलने के बाद भी उन सारे बच्चों को इंसाफ मिल पाता है, क्या होता है, वही सब इस फिल्म में दिखाया गया है। भाई हो सकता है कि आपने निथारी हत्याकांड के बारे में सारी खबरें पढ़ी हो, लेकिन फिर भी जब आप विजुअली उन सारी चीजों को पर्दे पर होते हुए देखोगे तो आपका मन विचलित हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक्चुअली में हुआ है। फिल्म का फिर भी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ना सिर्फ इस घटना को दिखाना है बट इस घटना पर किस तरीके से सोसाइटी रिएक्ट करती है, किस तरीके से पुलिस सिस्टम और पूरा का पूरा इकोसिस्टम रिएक्ट करता है, वो बहुत ही चिलिंग है। जैसा कि मैंने बोला था कि इसमें समाज का आईना दिखाया गया है कि किस तरीके से पुलिस भी इन सारे केसेस से अपनी आंखें मूंद लेती है, जब तक कि किसी रसूखदार की किसी बच्चे के साथ ऐसा कांड नहीं हो जाता है। इवन फिल्म के मेन प्रोटैगनिस्ट इंस्पेक्टर पांडे भी तब तक इस केस पर ध्यान नहीं देते हैं जब तक उनके खुद के साथ ऐसा कुछ नहीं हो जाता है। यहाँ पर जो डुअलिटी देखने को मिलती है, यानी कि जो बच्चे जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको इंसान तक नहीं माना जाता, और अगर आपके पास पैसा और पावर है तो सारी के सारी रिसोर्सेज आपको दे दी जाती है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें दिखाया गया है। लास्ट टाइम ऐसी फीलिंग मुझे तब आई थी जब मैं पाताल लोक वेब सीरीज देख रहा था, उसमें भी इसी तरीके से समाज की डुअलिटी को दिखाया गया था। फिल्म का स्क्रीन प्ले वाकई में बहुत ही कमाल का है। सबसे ज्यादा डर और शौक आपको उन सीन्स में नहीं लगेगा जहाँ पे किलिंग हो रही है, बल्कि उन सीन्स में लगेगा जहाँ पर विक्रांत मैसी किसी करेक्टर के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि एक इंसान इस तरह की मानसिकता भी रख सकता है। ये जो कन्वर्सेशन के सीन है ना, ये ही इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है। स्पेशली एक सीन आता है इसमें दीपक डोबरायल और विक्रांत मैसी के बीच में, कम से कम 10-15 मिनट का वो सीन है जहां पर इंटेरोगेशन चल रहा होता है। वहां पर जिस खुलेपन से वो सारी बातें बताता है, उसके मन में कोई डर नहीं है क्योंकि उसके पता है कि उसके ऊपर किसका हाथ है। वहां पर वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आप क्या देख रहे हो और क्या सुन रहे हो। जो एंडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, वो एंडिंग देखकर भी आप शॉक्ड रह जाओगे। वाकई में यार आदित्य निम्बालकर का डायरेक्शन इस फिल्म में एकदम आउटस्टैंडिंग है। वो सिंबॉलिकली एक छोटी सी चीज से बहुत ही बड़ी बात कह जाते हैं। जैसे इसमें शुरुआत में और एंड में एक सीन आता है जहां पर एक कॉकरोच को जूतों के नीचे दबा दिया जाता है। वहां पर एक डायलॉग आता है कि कॉकरोच कितनी भी बॉडी बना ले वो रहेगा जूतों के नीचे ही। वो सारी बातें समझअप कर देता है इस पूरी फिल्म का मैसेज आखिर में है क्या, कि एक आदमी की चाहे कितनी भी वेल इंटेंशन हो, सिस्टम के नीचे वो दबकर रह ही जाता है। इस तरह के सीन्स और जब आप इस पूरी फिल्म को देखकर आओगे तो आपके मन में भी मेरी तरह आई एम श्योर बहुत सारे विचार घूम रहे होंगे। नाउ इस फिल्म की बात अधूरी रह जाएगी अगर मैं इस फिल्म में परफॉर्मेंसेस की बात नहीं करूं। स्पेशली इस फिल्म में जिस तरीके से विक्रांत मैसी ने अपने आप को पूरी तरीके से प्रेम के रोल में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, वो वाकई में यार अनबिलीवेबल है। फिल्म दर फिल्म विक्रांत मैसी अपनी एक्टिंग की कमाल की रेंज दिखा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो करेक्टर इस फिल्म में वो प्ले कर रहे हैं, वो करेक्टर को प्ले करना ही बहुत बड़ी बात है और उसकी मेंटेलिटी में घुसना और भी ज्यादा बड़ी बात है। बट इस बार भी उन्होंने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है कि आपको बिल्कुल बिलीव होता है कि ये आदमी इतना घिनौना काम कर सकता है। और सेम यही बात मैं बोलना चाहूंगा दीपक डोबरायल के लिए जो इस फिल्म में इंस्पेक्टर पांडे का रोल कर रहे हैं। उन्होंने भी यार वाकई में बहुत ही कमाल का काम किया है। बहुत सारे सीन्स में तो उनके कोई डायलॉग भी नहीं है,
सिर्फ उनके चेहरे को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि इस इंसान के मन में क्या चल रहा है, कितने गुस्से से ये इंसान भरा हुआ है और कितनी डेस्परेशन इस इंसान को है। वाकई में यार ये परफॉर्मेंस भी कमाल की है। इसके अलावा भी फिल्म में जितने भी एक्टर्स हैं सभी ने अपना बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। और इसीलिए मैं फाइनली इस रिव्यू को कंक्लूड करते हुए बोलूंगा कि सेक्टर 36 इज एन आउटस्टैंडिंग फिल्म। आई थिंक सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए, बस वो लोग थोड़ा दूर रहें जिनका दिल थोड़ा कमजोर है। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सेक्टर 36 के बारे में आपका क्या ख्याल है ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।